अस्सलाम वालेकुम, बिग न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मुबशर इकबाल। खबरों का आगाज़ करते हैं। मकबूजा कश्मीर को भारत की आहनी जंजीरों में जकड़े हुए 29 दिन गुजर गए। भारत के इंसानियत सोज मुजालम भी कश्मीरियों के जज्बा हरियत को कम ना कर सके। इस वाले से मज़ीद बात करते हैं सियासी और समाजी रहनुमा सेठ गुलाम रसूल से। जी सेठ गुलाम रसूल साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? कश्मीर पाकिस्तान की शाहरा है, इसमें हर पाकिस्तानी का दर्द, हर पाकिस्तानी का एहसास जज्बा कश्मीरियों के साथ है। हम कश्मीरियों के लिए जान देने को भी तैयार हैं। इसी तरह कश्मीरी भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इंडिया ज़बरदस्ती कर रहा है जो इसे नहीं करनी चाहिए। उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सलब कर लिए हैं। 370-35C जो कि एक ज़ालमाना कानून, ज़ालमाना सिस्टम जो इन्होंने कश्मीर पे लागू कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। आलमी बरादरी को कश्मीरियों की आवाज़ सुननी चाहिए और सारी दुनिया को इंडिया को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे। जितनी देर कर रहे हैं उतना ही खून खराबा और कश्मीरियों की शहादतें हो रही हैं, जो कि इंसानियत का बहुत बड़ा अलमिया है। इसे हमें सब इंसानी हकूक तंजीमें, आलमी मीडिया, अक्वामे मुत्तहदा, इन सब को मिल के रोकना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा अलमिया है कश्मीर में जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक इंसानियत है। अगर इनका कोई इंसान, कोई जानवर भी बीमार हो जाए या कोई मर जाए तो ये सारे अपने सर पे हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये इसके साथ ज्यादती होगी, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इनको इधर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आ रही, जो कि दुनिया को इन्होंने इतने लोगों को शहीद कर दिया कि पता नहीं जब भी कर्फ्यू ख़त्म होगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो गया है, कितनी दुनिया शहीद हो गया, कितने लोग बच गए, कितनी लोगों की बेटियों की इज्जत लुट गई है। ये कर्फ्यू के बाद ही पता चलेगा। और हमारे आलमी मीडिया सोया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। इनको जागना चाहिए। हमारी उम्र हम रहमानी बरादरी के प्लेटफार्म से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं पूरे मुल्क में। इंशाल्लाह मुख्तलिफ ज़िलों में हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है और हम दिलो जान और हमारी पूरी बरादरी जहाद और खिदमत हर किस्म के तावन के लिए तैयार है। हुकूमत के साथ भी, फौज के साथ भी, कश्मीर के मामले में हम इनके साथ हैं। जो भी कदम हमारी रियासत उठाएगी हम उनकी हमायत करेंगे, उनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सेठ गुलाम रसूल हमें तफसीलात से आगाह करने का।